आजादी के अमृत महोत्सव के तहत जिला पंचायत राज विभाग द्वारा तमाम योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिसमें ग्राम प्रधानों से संवाद, साफ सफाई की व्यवस्था, शौचालयों के निर्माण के साथ अन्य योजनाएं भी तत्परता से लागू की जा रही हैं। इसके संबंध में जिला पंचायत राज अधिकारी हिमांशु शेखर ठाकुर ने बताया कि शासन के निर्देश पर मनाया जा रहा है आजादी के अमृत महोत्सव के तहत स्वच्छता अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके अलावा डेंगू से बचाव के लिए छिड़काव भी कराई जा रही है। ग्राम प्रधानों से लगातार संवाद कर उनसे सुझाव लेकर गांव में साफ सफाई की व्यवस्था बेहतर बनाई जा रही है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला पंचायत राज अधिकारी हिमांशु शेखर ठाकुर ने कहा, अमृत महोत्सव जो है, ये जो अभियान है ये 15 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर 2021 तक चलने का अभियान है, जो अगले 17-19 दिन हैं, जो 15 सितंबर से आरंभ हुआ है। इसमें सबसे पहले जो स्वच्छता रथ है वो राज्य जो स्वच्छता मिशन है, हम लोग का जो कार्यालय राज्य मुख्यालय जो है, जो अलीगंज में है, वो लोहिया भवन, वहाँ से रथ निकला था, कोविड का स्वच्छता रथ। उसके बाद जो है स्वच्छता श्रमदान का जो है चलाया जा रहा है 15 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक, जो है जो जितनी भी ग्राम पंचायतें हैं उसमें स्वच्छता सफाई पर विशेष फोकस रख करके, वो श्रमदान पे ज़्यादातर फोकस करके लोगों को ये करके जागरूक करके, स्वेच्छा से लोग भी श्रमदान करें, सफाई कर्मी जो है वो तो हैं, प्लस जो है लोगों को जागरूक करके वो भी श्रमदान करें, इस पर फोकस रहेगा। इसके अलावा अगला फोकस जो है सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह से बैन चुके लगा दिया गया है। सिंगल यूज प्लास्टिक जो भी वो कहीं भी ना दिखे, जहाँ भी दिखे उसको हटा करके उसको बोरे में रख करके जमा करने का प्रोविजन किया जा रहा है, ये अभियान चलाया जा रहा है। उसके अलावा जो है ग्राम पंचायत और ODF प्लस में जो मेन फोकस है वो सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट पे है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में ये कि कूड़ा जो भी हो इकट्ठा हो जाए, उसके बाद इकट्ठा करके उसको सेग्रीगेट कर दिया जाए, कि अगर जो गीला कूड़ा है उसको अलग करके, उसके लिए जो है हर जगह आपको पता होगा हर ग्राम पंचायत में वर्मी कंपोस्ट बन रहा है, उस कंपोस्ट पिट में उसको रखने के लिए जितना भी गीला कूड़ा है उसको कंपोस्ट पिट में डाल दिया जाए ताकि उससे खाद बन जाए, और जितना प्लास्टिक कचरा है उसको इस बोरे में डाल करके बाद में उसको सभी को ब्लॉक पे ला के रखा जाएगा, बाद में जो है सरकार की तरफ से आगे वो एक यूनिट बनाई जाएगी इसको प्रोसेसिंग करने के, उस प्रोसेसिंग यूनिट से हम लोग बाद में कूड़े का जो है जो भी प्लास्टिक है उसका निस्तारण करा जाएगा। और इसका एक और जो पार्ट है वो है ग्राम प्रधानों के साथ संवाद, ग्राम प्रधानों के साथ सीधा संवाद स्थापित करके उनको लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट पर विशेष तौर से उनको बताया जाएगा। उसमें सबको ये बताया जाएगा कि वो लोग अंडरग्राउंड नालियाँ जो है कवर्ड नालियाँ बनाएं, जो भी नालियाँ वो खुली नालियाँ ना होंगे, खुली नालियाँ ज़्यादातर बीमारियाँ होती है, तो कवर्ड नालियाँ बनाएं, और नालियों को जो है अल्टीमेटली जो वेस्ट स्टेबलाइजेशन पॉन्ड होता है, मतलब ऐसा तालाब जिसमें कि सारी गंदगी, जिसमें जो भी गंदा जल हो वो जाकर के जमा हो। अभी क्या होता है कई जगह पे नालियाँ तो बनी है पर उसका अंत कहीं नहीं है, वो कहीं भी जाकर ख़त्म हो जाती हैं। तो ये जो लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट में जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो फोकस यही है कि एक जो वेस्ट स्टेबलाइजेशन पॉन्ड बने, वहाँ जाकर के जितनी भी नालियाँ हैं वहाँ जाकर के उसका नालियों का प्रोसेसिंग हो, उसका जितना भी मलबा है वो नीचे गड्ढा बना के चैम्बर बनाया जाता है, उसमें सारी गंदगी वहाँ जमा हो जाए, जो पानी है सिर्फ पानी जो है वो पॉन्ड में गिरे। तो ये हमारा जो लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट में मेन फोकस है। उसके बाद जो है ODF जो ऐसी जो हम लोग का ये है कोशिश कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा ग्राम पंचायतों इसको अचीव कर ले, सोखता गड्ढे का निर्माण हो जाए, ताकि हम लोग कुछ ग्राम पंचायतों को 2 अक्टूबर 2021 तक ODF प्लस घोषित कर सकें। तो यही मेन रूप से इसमें काम है, इसमें कि ODF प्लस घोषित करने के लिए आप जैसा हो गया अंडरग्राउंड नालियाँ बनाना, सोखता गड्ढा बनाना, उसके अलावा वर्मी कंपोस्ट नैफेड कंपोस्ट वो बनाना, उसका श्रमदान करके सफाई कराना, सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरी तरह से हटा देना, मतलब को हटा करके उसको बोरे में डाल करके उसको अच्छे से रख देना, उसके बाद फिर जो भी गीला कूड़ा है उसको बड़े कंपोस्ट में डालना, प्रधानों से संवाद करना, स्वच्छता संवाद करना, जितने लोग हैं जनता लोगों से इसको स्वच्छता सफाई के बारे में जागरूक करना, इसके अलावा जो है खुली बैठक आयोजित करना, ODF स्थायित के बारे में लोगों को बताना कि कोई भी अभी भी अगर कोई बाहर खुले में शौच जा रहे हैं तो शौच ना जाए करने, और जो बचे हुए शौचालय जो 24,258 शौचालय गोरखपुर में मिले हैं 2021-22 में, उसमें से अभी 6,000 बने, बाकी जो 18 शौचालय बने उसका निर्माण पूरा कराया जाना, यही मुख्य कारण है।